हरियाणा में बिजली निगम के गड़बड़ी के हजारों किस्से हैं और इन्हीं किस्सों में एक किस्सा सिरसा से भी जुड़ गया है। सिरसा में एक सैलून शॉप के मालिक को बिजली निगम ने तकड़ा झटका दे दिया है। 2,90,033 रुपए बिल आना मेरे लिए एक बहुत ही पहाड़ के समान था और मुझे 3 महीने से बड़ा हार्समेंट किया हुआ है। मैं परेशान हो चुका हूँ, कर्मचारियों के पास चक्कर काट काट के मैं परेशान हो चुका हूँ जी। भला ये भी कोई नई बात है, बिजली निगम के सिस्टम में गड़बड़ी के ऐसे हजारों मामलों की लिस्ट बन चुकी है, जिस लिस्ट में अब एक नया नाम सिरसा में सैलून शॉप चलाने वाले संजय सिंह का भी जुड़ चुका है। जी हाँ, सिरसा में एक सैलून शॉप का बिजली बिल 2,90,033 रुपए आया है। 33 रुपए को छोड़ दीजिए, बात 2,90,000 की करेंगे। बिजली का बिल 3 महीने पहले इस पीड़ित दुकानदार के दुकान पर पहुंचाया गया और जब ये बिजली बिल सैलून शॉप चलाने वाले संजय के हाथ लगा तो उसके होश फाकता हो गए। मैं 3 महीने से परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मेरा नॉर्मल बिल 1400, 1200, 1400, 1500 के बीच में आता है और मैं मेरे बिल कंटिन्यू भर रहा हूँ, लेकिन 3 महीने पहले मेरे पास एक 2,90,033 का बिल आया। दुकानदार संजय ने बताया कि निगम के अधिकारियों ने उसे लेबोरेटरी में मीटर ठीक करवाने की सलाह दी, लैब से मीटर चेक करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला और अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में कह डाला, बिल तो भरना ही पड़ेगा। जाके एप्लीकेशन लगाई, सीए साहब को मिला, सीए साहब ने एप्लीकेशन ली और लिखवाया और तीसरे दिन मेरा मीटर बदल दिया गया। वो मीटर मेरा पुराना लैब में गया और उसके बाद में उसने लैब ने भी ओके रिपोर्ट करके भेज दी गई। उसके बाद में सीए साहब से मिला, सीए बोले आपने ये बिल भरना पड़ेगा भैया। पीड़ित दुकानदार ने अपनी मजबूरी का हवाला देते हुए कहा कि वो इतना बिल भरने में सक्षम नहीं है और ये बिल उसके लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं है। मेरी एक छोटी सी नाई की दुकान है, 2 टोपे ससरी है, सर बिल भरना मेरे लिए बहुत एक अहम हार्ट अटैक की मजे की बात हो रही है सर। वहीं जब ये मामला बिजली मंत्री रंजीत सिंह के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने पीड़ित को मिलने के लिए बुलावा दिया। एक सिरसा का एक नाई है, उसका बिजली का बिल 2.5 लाख रुपया आया, बिजली निगम के अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, सुनवाई नहीं हो रही उसकी। उसे कहना मेरे से मिलेगा, मैं करता हूँ उसका। बिजली मंत्री ने पीड़ित दुकानदार को मिलने के लिए बुलाया है। उम्मीद करते हैं कि बिजली मंत्री पीड़ित दुकानदार की समस्या का समाधान करेंगे।